हे ब्यूटीफुल पीपल, की हालचाल, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग? होप करते हैं गाइस कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खाते पीते होंगे। सो गाइस, फिर से एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए अपडेट के साथ। सो गाइस, आज बोल भी सकते हैं कि एक नया अपडेट है और एक आज बोल सकते हैं कि दुख भरी कहानी या दुख, मतलब एक अच्छा सा दिन आज नहीं जाने वाला है सुल्तानगंज वासियों का। सो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हालांकि हम लोग को मना कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा आप लोग को दिखा दें। देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ही गिर चुका है। तो गाइस, हम आप लोग को बताए थे कि मुंगेर गंगा ब्रिज, उसमें तो भाई कोई दिक्कत नहीं हुआ, पर सिमरिया सिमरिया गंगा ब्रिज है घाट, उसका भी ब्रिज में यही प्रॉब्लम आ रहा है। और इसी ब्रिज का एक वीडियो आप लोग को हम दिखाए थे कि चार नंबर पिलर से पाँच नंबर पिलर तक का जो है प्रॉब्लम, वो एक सुपर स्ट्रक्चर का लेवल ऊपर था, एक सुपर स्ट्रक्चर का लेवल नीचे था। अगर नहीं तो आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो में हिंट्स आप लोगों को दे देंगे, देख लीजिएगा। देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है गाइस। तो यही जो BSL वाला जो काम कर रहे थे, इसमें दो कंपनी काम कर रही है, एक HP सिंगला कंपनी और एक BSL वाला, जो आप ऊपर देख पा रहे हैं व्हाइट वाला जो केबल टाइट किया जा रहा है वो BSL कंपनी कर रहा है, और जो स्ट्रक्चर लॉन्च और मतलब बनाने का जो काम है वो HP सिंगला कंपनी कर रही है। तो HP सिंगला कंपनी की तरफ से कोई गलती नहीं हुआ है, ये हुआ है BSL वाले के कारण। आप लोग को हम बताए थे कि जो केबल है टाइट करने में वो दिक्कत किया जा रहा है। आप लोग को एक दिखाए थे उधर अगवानी साइड में भी कि छेद करके जहाँ तहाँ केबल को जैसे तैसे घुसाया जा रहा है, जैसे तैसे ही तोड़ मरोड़ के घुसाया जा रहा है। इस सब का जो काम करने का जो है एक अलग टेक्निक होता है, अलग एक नज़रिया होता है, तो वो सब टेक्निक को छोड़ के जैसे तैसे ही इस सब जगह पे पूरा टाइट कर किया जा रहा था। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं ये नतीजा, ये BSL वाले का ही काम है, जो कि केबल जो है वो जो केबल जो टाइट किया जाता है जिसपे सुपर स्ट्रक्चर लटकने वाला है, तो उसका ही दिक्कत हो रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जैसे तैसे ही इसे टाइट मतलब किया जा रहा था। तो देख पा रहे होंगे इसके कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, मतलब मेरे ख्याल से करीब करीब 100 सुपर स्ट्रक्चर जो है वो नुकसान हो चुका है। देख पा रहे होंगे इधर भी आप लोगों को डैमेज दिख जाएगा और उधर भी डैमेज दिख जाएगा। देख पा रहे होंगे तो ये जो घटना हुआ है वो सुबह मतलब AM 3:15 से 3:30 बजे के बीच में, मतलब वो 3:30 बजे और 3:15 के बीच में ये कांड हुआ है गाइस, ये घटना घटा है। तो सोचिए कि ये दिन में पूरा नहीं हुआ है, तो दिन में अगर होता तो कितना ज़्यादा नुकसान होता, वर्कर भी कुछ मतलब ना ही बोले तो बेहतर है, पर आप इमेजिंग कीजिए कि अगर वर्कर रहते तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है इस जगह पे। देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है गाइस। तो भाई, हम तो सोच के ही मेरा है ना आत्मा कल्पित हो रहा है कि अगर दिन में ये सुपर स्ट्रक्चर अगर गिरता तो कितना ज़्यादा नुकसान होता, वर्कर कितना जान माल का नुकसान होता। देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इधर भी देख पा रहे होंगे जितना भी आप लोगों को प्रॉब्लम दिख रहा होगा ये सारा केबल का ही प्रॉब्लम है, जो कि BSL वाला का ही प्रॉब्लम है, HP सिंगला कंपनी का नहीं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो उसमें आप लोग को अंटा सिमरिया में भी आप लोग को हम दिखाए कि भाई जहाँ तहाँ ही खोद के, मतलब जहाँ पे जो केबल अटक जाता है नहीं घुसता है, तो वहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर को तोड़ के वहाँ से टाइट करके न ऐसे ही उसे जोड़ के छोड़ दिया जाता है। तो ये सब परिणाम है जैसे तैसे काम करने का। देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है गाइस, बाप रे बाप, इतना बड़ा नुकसान हो लगता है गाइस कि करोड़ों अरबों रुपया का नुकसान, करोड़ों का नुकसान हो चुका है सिर्फ एक गलती के कारण, सिर्फ BSL वाले का गलती के कारण, जो केबल बढ़िया से पूरा टाइट नहीं किया है, तो जिस कारण से ये पूरा सुपर स्ट्रक्चर ही गिर चुका है। पिलर नंबर 4 से लेकर पिलर नंबर 6 के बीच में जो सुपर स्ट्रक्चर बनने वाला था उसमें, देख पा रहे हो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए गाइस मिलते हैं यहाँ पे, आप लोग को हम दिखाते हैं कि केबल में प्रॉब्लम कहाँ आया था। इस जगह आप देख पा रहे होंगे ये सब केबल में प्रॉब्लम आया था, और वहाँ पे आप दो छेद देख रहे हैं वो सब केबल में, तो यही सब केबल के कारण जो है इतना दिक्कत हुआ है, जो सुपर स्ट्रक्चर पूरा गिर चुका है। तो चलिए मिलते हैं।
सो गाइस देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। आप लोग को यहाँ इधर से ज़्यादा करीब से दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, देख रहे होंगे। तो यही सब कारण है जो आप लोग को हम पहले भी आगाह किए थे, बोले थे कि केवल में गड़बड़ घपलाबाजी किया जा रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे नतीजा कितना भयानक दिख रहा है। अगर सोच सकते हैं कि अगर अभी बन के भी ये तैयार नहीं हुआ है, अगर जब बन के तैयार होता, जब चालू रहता, तो कितना ज़्यादा नुकसान होता जालमान का। तो चलिए गाइस मिलते हैं।